हमारा आज का वीडियो है एक्सट्रीम वर्सेस एक्सट्रीम। दोनों भी एक्सट्रीम है। एक है मेरे लेफ्ट पे Asus का Maximus 12 एक्सट्रीम, मेरे राइट पे Gigabyte का Z490 एक्सट्रीम। तो ये दोनों एक्सट्रीम क्यों है? क्योंकि ये दोनों महंगे हैं। इसका एक्सट्रीम प्राइसिंग है, इसको खरीदने के लिए आपको अपना किडनी बेचना पड़ेगा। लकीली दो हमारे पास है और इसी पे हम वीडियो बनाएंगे। द आइडिया इज i9-10900K को दोनों पे डाल के टेस्ट किया जाए कि कौन सा ज़्यादा ओवरक्लॉक हो सकता है, मैक्स बूस्ट क्लॉक किस पे आ रही है, ये हम चेक करेंगे। उससे पहले हम इसकी बात करेंगे कि ये दो बोर्ड में मेजरली फ़र्क क्या है। दोनों एक्सट्रीम है, सेम बोर्ड ही होगा, लेकिन नहीं, दोनों में फ़र्क है। सो लेट जस्ट स्टार्ट अप विद अ फीचर ओवरव्यू। दोनों के स्पेक साइड बाय साइड रखते हैं और बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फर्स्टली फीचर कंपैरिजन, ये बात करते हैं दोनों में अलग क्या है। तो Z490 Aorus Xtreme has 5000 MHz of RAM support. Now basically best of luck finding 5000 MHz RAM, ये आपको नहीं मिलने वाला है, मिलने ही नहीं वाला है। कुछ भी कर लो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, वो भी अगर मिल गया तो मिल गया। ओके, ऑन दी अदर हैंड Asus वाला बोर्ड सपोर्ट्स अप टू 4000 MHz RAM। नाउ गोइंग लिटिल बैक, ये डिस्कशन से थोड़ा ऊपर उठते हुए ये बोलना चाहूँगा मैं कि इंटेल डिड द मोस्ट अनइमेजिनेबल, एक्चुअली नॉट अनइमेजिनेबल, हमेशा करते हैं ऐसे फुद्दू काम। तो उनका फुद्दू काम ये है कि जो 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं वो हायर स्पीड रैम ओनली Z490 बोर्ड पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई बोर्ड पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। हर प्रोसेसर डालने के बाद भी वो 3000 MHz पे लिमिट रहेगा। लाइनस बाबा ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप ये देख सकते हैं और इंटेल को गालियाँ निकाल सकते हैं। वाई इंटेल वाई? इसका कोई रीज़न नहीं है एक्सेप्ट कि इंटेल अपने को Z490 चिपसेट बिकवाना चाहता है, दैट्स व्हाट वी थिंक दो। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कौन सा, वैसे भी डिस्काउंट नहीं दे रहे वो लोग, उनका बहुत सेल होता है। ओके, तो दूसरा बड़ा फ़र्क ये दो बोर्ड में ये है कि Z490 एक्सट्रीम Gigabyte वाला हैज़ 3 M.2 स्लॉट्स, इसमें सिर्फ दो है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। सो Gigabyte वाले बोर्ड और इस वाले बोर्ड में और एक्स्ट्रा क्या है, इसके हार्डवेयर मॉनिटरिंग फीचर्स। सो आई जस्ट पुट अ लिस्ट ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। Asus ऑन द अदर हैंड एज एक्स्ट्रा फीचर्स विच कैन बी कंसिडर्ड ब्लोटवेयर ऑल्सो। एकदम फुद्दू से है, मतलब यूज़ ही नहीं करने वाले हो, कुछ काम का नहीं है। आप इतना महंगा बोर्ड खरीदे कुछ नहीं होने वाला है। अगेन दैट्स एंटायरली माई ओपिनियन, दूसरों को कुछ और लग सकता है। ओके, बात करते हैं एक और चीज़ की, एक मेजर डिफरेंस की, जिसके लिए Asus का प्लस है और Aorus का माइनस, एक्चुअली माइनस माइनस। इसमें है RGB Fusion 2.0, जो फुद्दू सॉफ्टवेयर की लिस्ट में नंबर 1 आएगा RGB कंट्रोल में। इट्स एक्चुअली रियली बैड, आई मीन देयर, हम लोग ये फीडबैक शेयर कर चुके हैं Gigabyte वालों से काफ़ी बार कि आपका RGB Fusion बगी है, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ सिंकिंग है, प्रॉब्लम आता है, एंड वी नो दे आर वर्किंग ऑन इट। नॉट लाइक वो नहीं कर रहे हैं इम्प्रूव, दे आर इम्प्रूविंग इट। पॉसिबली ये साल में आप देखोगे नया वर्जन। वो हो गया RGB Fusion की बात। ऑन कमिंग बैक टू Asus, Asus का जो एटलीस्ट RGB कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, दैट्स टॉप नॉच, दैट्स नेक्स्ट लेवल। मतलब उस जितना स्ट्रीमलाइंड सॉफ्टवेयर शायद ही है जो सारे इकोसिस्टम को ढंग से कंट्रोल कर सकता है। सो प्लस पॉइंट्स टू Asus ऑन दैट। ऑल्सो एक बड़ा फ़र्क Asus के बोर्ड में ये है, इसका ROG DIMM.2 स्लॉट। नाउ अभी नेचुरल सवाल आता है कि ये करता क्या है और ये हमें क्यों चाहिए। ये मुझे भी नहीं पता था ये वीडियो से पहले, मैंने काफ़ी गूगल किया पता करने की कोशिश की इसका यूज़ क्या है और क्या करते हैं इसके साथ। तो M.2 स्लॉट क्या करता है भाई लोग, किसी को पता है क्या ROG M.2 क्या करता है? तो ROG के डिम M.2 स्लॉट पे क्या कर सकते हो, उस पर एक राइजर कार्ड डाल के आप एक और M.2 लगा सकते हो, दैट्स इट, वही है। तो बोर्ड पे डाल देते। नॉट टॉकिंग अबाउट VRM, Aorus का 16+1, Asus का 16। तो ये हो गई फीचर सेट की बात, तो क्यों ना हम इसको अनबॉक्स करके देखें, मेगा एक्सट्रीम अनबॉक्सिंग। एक्सट्रीम अनबॉक्सिंग कर लें क्या मिस्टर एडिटर? लेट्स डू द एक्सट्रीम अनबॉक्सिंग। यू नीड टू गेट हैंड्स ऑन विद द कैम। Don't put that, bro. So starting off with the ROG Maximus 12 Extreme. इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ओके, ये हो गया अनबॉक्सिंग। वी सक एट अनबॉक्सिंग्स बाय द वे। तो आप देख सकते हो दिस इज द M.2 डिम स्लॉट, जिसमें थर्ड M.2 लग सकता है। ये सारा कवर है, जस्ट चेक आउट द बैक प्लेट।
बैक प्लेट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम मटेरियल। ओके, वन थिंग टू नोट, ये स्लॉट की वजह से ये एक्चुअली EATX बोर्ड है, दिस इज़ नॉट गोना फिट इन एनी केस। जस्ट हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ फैन हेडर्स दैट इज हैज़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 4 और है, यहाँ पे CPU के लिए और है, 2 ARGB हेडर यहाँ पे है, एंड द बेस्ट पार्ट जो हम हर मदरबोर्ड वालों को चाहते हैं कि ये डालें, ये स्टार्ट बटन, काफ़ी काम आसान हो जाता है, और ये एरर कोड LED। लेट्स जस्ट चेक द IO पैनल। एक्चुअली इसका IO पैनल जब ये ऑन होता है, इसमें अलग अलग लाइटें आती है, सो दैट्स प्रीटी अमेजिंग। सी इट्स डेक्ड अप, दैट्स क्रेजी। 10G लैन भी है, 2.5G लैन भी है, BIOS 6X बटन, अमेजिंग है ये, एक्चुअली बहुत अमेजिंग चीज़ है, हर किसी को करना चाहिए। वी ऑल्सो रियलाइज इससे कॉस्ट भी बढ़ता है, इसलिए हर मदरबोर्ड में नहीं रहता है, बट दिस हेल्प्स अ लॉट। ये हो गई बात ये बोर्ड की। जस्ट वन स्मॉल नोट ऑन दिस बोर्ड, इसमें 2 USB-C हेडर है जो आपको फ्रंट USB हेडर देंगे, लेकिन एक तकलीफ की बात ये है कि देर इज हार्डली एनी केस विथ 2 front USB-C। आई थिंक मैन्युफैक्चरर्स शुड स्टार्ट एडिंग मोर USB-C फ्रंट हेडर्स। तो ये हो गई बात ASUS की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू Aorus। एक्चुअली इसका पैकेजिंग थोड़ा और फंडू लग रहा है, एक्चुअली लग रहा है, देखने लायक लग रहा है, देखते हैं। नाउ दैट इज एक्सट्रीम ब्रो, ये दिखने में एक्सट्रीम लग रहा है, वाह, पैकेजिंग एक्चुअली ज़्यादा अच्छी है इसकी। दिस फोम विल अनडाउटेडली प्रोटेक्ट योर बोर्ड ड्यूरिंग ट्रांसिट, दैट फोम इज मिसिंग इन द ASUS बोर्ड। ठीक है, तो नाउ व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट दिस बोर्ड, जस्ट चेक दिस आउट, चेक दिस आउट। आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन सी दिस, बट इसका लेआउट थोड़ा सा अलग है। एज अ बिल्डर, एज अ PC बिल्डर, दिस मेक्स माई जॉब सो मच ईजियर। इसमें साइडवे 24 पिन है, आई मीन ह्यूज प्लस फॉर दैट। इसके फैन हेडर्स भी सारे साइडवेज है, सो जस्ट इमेजिन ये कंप्लीट बिल्ड होगा जब, दे विल बी लिटरली नो इश्यू ट्राइंग टू डू केबल मैनेजमेंट ऑन दिस। इसका एक और माइनस ये है कि इसमें एक ही USB-C हेडर है, बट कोई भी केस में 2 USB-C हेडर नहीं होते हैं, तो आई थिंक दैट शुड सर्व यू वेल। एंड बॉटम साइड इज फुल्ली क्लीन, कुछ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इवन इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट द ऑडियो एंड द BIOS स्विच, यहाँ पे ऑडियो है और यहाँ पे इसका BIOS स्विच है, सो फेयर इनफ, फुल पॉइंट्स टू Aorus, क्योंकि इनका लेआउट एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है। इट जस्ट मेक्स योर एंटायर सिस्टम मच मोर क्लीनर। देर इज हार्डली एनी पोर्ट विच इज़ कनेक्टिंग ऑन फ्रंट। यहाँ इनका पावर बटन है, नहीं एक्चुअली ये पावर बटन नहीं है, OC इग्निशन बटन है। Probably it's saving some profiles and helping you overclock on the fly. तो ये हो गया बोर्ड ओवरव्यू। जस्ट चेक आउट द IO, चेक आउट द IO, सो चेक आउट द IO। इसमें क्यू फ्लैश बटन है, BIOS फ्लैश बैक बटन है, ऑलवेज नीडेड। इसमें 10G LAN है, 2.5G LAN है, सेम एज द बोर्ड, 2 USB-C सेम एज द अदर बोर्ड, अ लेसर नंबर ऑफ USB-C हेडर्स, बट आई मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I mean that's enough. 3.0 की तरह 3.2 है सारे के सारे। A lesser number of USB 3. हाँ, lesser number of 3.0. Let's check out the back part. More coverage, probably similar material, ज़्यादा फर्क नहीं है, but looks wise I think I have to give it to this. ये ATX form factor में काफ़ी 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 अच्छा board है। यहाँ है इसके ऑन एंड ऑफ बटन्स। सो ये बात हो गई ख़त्म, अब शुरू करते हैं BIOS checking, दोनों का BIOS चेक करते हैं। तो कंपेयर करते हैं इन दोनों का BIOS। अपने लेफ्ट पे है Maximus 12 एक्सट्रीम, अपने राइट पे है Aorus एक्सट्रीम। तो दोनों का इजी मोड दिख रहा है आपको, आई मीन पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ सेक्शन में ASUS का BIOS डिस्प्ले ज़्यादा इजी है, कुछ सेक्शन में Aorus का BIOS डिस्प्ले ज़्यादा इजी है। लेट्स जस्ट शिफ्ट इन टू द एडवांस्ड मोड, देखते हैं एडवांस मोड दोनों का कैसे है। ये है एडवांस मोड ASUS का और ये है एडवांस मोड Aorus का। आई मीन ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखने वाला है सेटिंग्स में, प्रीटी मच स्टैंडर्ड स्टफ है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, देयर इज एन एडिशनल फीचर जो फ़िलहाल सिर्फ ASUS में है, वो AIOC है, AI ओवरक्लॉक। बेसिकली इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन, यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि कितना ओवरक्लॉक कर सकते हैं
बिना टेंशन के. ओके सो फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हमने ASUS के बोर्ड में i7 डाला हुआ है. बाय द वे टू चेक आउट i7 परफॉर्मेंस वर्सेस द 9th जेन हमारा एक पूरा वीडियो इस पे है, यू कैन चेक दैट आउट. और ऑरस में हमने i9 10th जेन डाला हुआ है. जस्ट अ स्मॉल नोट ऑन द ASUS बोर्ड, इसमें रियर HDMI नहीं है. वील ऑल्सो शो दैट शॉर्ट वेर वी आर कंपेयरिंग बोथ बैक IOs. और ऑरस के बोर्ड में बैक HDMI है. तो कोई बोलेगा इतना महंगा बोर्ड लेके इसमें HDMI नहीं है, बट यू गॉट रियलाइज वन पॉइंट कि इतना महंगा बोर्ड लेके डेफिनेटली कोई ग्राफिक कार्ड के साथ ही यूज़ करने वाला है. इट विल नॉट मेक एनी सेंस. तो इन दैट केस बोल सकते हो कि अरे क्या ज़रूरत है HDMI की. बट अगेन टेस्टिंग के टाइम पे इफ़ योर ग्राफिक कार्ड इज़ फेलिंग एंड यू वेटिंग फॉर योर न्यू ग्राफिक कार्ड टू कम, वो टाइम पे एक बैक HDMI हेल्प कर जाता है. तो या दैट्स वन पॉइंट यू नीड टू नो. सो ओवरऑल प्रीटी स्टैंडर्ड स्टफ. यू काइंड ऑफ एंड अप गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन on the ASUS board, otherwise it's basic, there's not a huge difference, both get the job done. So let's head into testing out the max clock speeds and the temps. For testing purposes we thought that we'll use the Assassin 3 cooler, air cooler by the way, to test how much of an overclock that we can give it. It's gonna be an open board test. We're gonna put the same SSD, the same RAM and the same power supply on both the boards and check कि किसका overclock ज़्यादा आ रहा है. Now if some of you are wondering हमने air cooler क्यों choose किया है overclock करने के लिए, just so you know the Assassin 3 air cooler from Deepcool is one of the best air coolers around. It actually beats the NHD15 in some test. Kit Guru के हिसाब से ये must have है. So it's actually a decent cooler. Whether it's as good as for overclock, that's debatable though. But again we are just trying to see स्टेबल ओवरक्लॉक किस में ज़्यादा आता है. वी आर नॉट गोना डू फैंसी पैंट्स थिंग्स. वी आर गोना यूज़ इंटेल XTU टू चेंज द क्लॉक एंड सी कौन सा सिस्टम ज़्यादा क्लॉक पे स्टेबल रहेगा. सो हियर वी गो. सो स्टार्टिंग ऑफ हम लोग ऑरस एक्सट्रीम Z490 पे i9-10900K के स्टॉक फ्रीक्वेंसीज पे Assassin 3 कूलर के साथ एक बेंचमार्क टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Cinebench. साथ ही साथ हम टेम्परेचर भी देख लेते हैं साइड में. So yeah, this is the waiting part of things. Boom, it's number 4. So if you can see the score over here, it's just a shade below the Threadripper 1950X, that's Threadripper 1. So uska score 6670 hai, iska 6260 hai. Okay, so ye ho gaya apna benchmark on base clock on Aorus. Six three two one. That's like 100 points. 90 points. चल रहा है? नहीं, crash हो गया. Not stable at all. So basically, Aorus board पे 5.2 with this cooler configuration, with not messing around with any other settings except changing boost. For 5.2 is the basic boost that we can go. इस पे चला रहे हैं हम Cinebench R20. So let's have a look at the scores. There you go. So the score we got on this is 5697. Compare that to Aorus and that's actually really low. And this is surprising. It's blowing my mind ki ye kyun ho raha hai. There's nothing changed. The cooler is the same. The RAM is the same. XMP is on. Aur kya tha bhai? Aur stock speeds pe hai. So running Cinebench R20 on 5.1. So yeah, we can see that the current clock speed is hitting 5.1 and dropping again, probably due to throttle. Let's check the temperatures if we can. Let's check the temperatures. Yeah, it's throttling. गंदा throttle हो रहा है. नहीं, दोनों पे भी 5.2 is the max we can go on this particular cooler, no doubt. But then again. Let's just check out the scores. Yeah, of course. Of course. 5607. So 5607 is the score. How many points is that lesser? 90. 90? 90 points less. Than the earlier one. Yeah. Conclusion. इतना सब exercise करके almost मेरा पूरा दिन गया है इसके पीछे आज. हमें ये पता चला है कि base clock पे without any changes to voltage or any other thing, base clock पे एक i9-10900K
will work much better on the Aorus Z490 Extreme. It actually blows my mind. बेस क्लॉक पे सिनेबेंच के स्कोर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 6260 ऑन द ऑरस एंड 5697 ऑन द मैक्सिमस 11. नाउ कीप इन माइंड ये दोनों बहुत सिमिलरली प्राइस बोर्ड्स हैं, इतना फ़र्क क्यों? आई मीन इस पर डीपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ऑफकोर्स. एंड सेकेंडली वेन वी ट्राइड ओवर क्लॉकिंग द वे वी डिड ऑन ऑरस, एडमिटेडली इट्स नॉट द मोस्ट फैंसी पैंट्स वे ऑफ डूइंग इट. हमने सिर्फ प्रोसेसर कोर रेशियो चेंज किया, दैट्स व्हाट वी चेंज, राइट? हमने सिर्फ प्रोसेसर कोर रेशियो चेंज किया और वी फाउंड आउट कि एसुस के बोर्ड में सिर्फ वो सेटिंग चेंज करने से ना सिर्फ थर्मल थ्रॉटल हो रही है, ईडीपी लिमिट थ्रॉटलिंग भी हो रही है राइट फ्रॉम 5 GHz. तो आई मीन विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन आई कांट, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ऑरस बेहतर है या एसुस बेहतर है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बेस क्लॉक पे और विदाउट एनी बायोस सेटिंग्स चेंज एक्सेप्ट फॉर XMP, इट्स क्लियर कि हमारा ऑरस का बोर्ड ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है. एंड द सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस कंपैरिजन इज द रैम वाज द सेम, कंप्लीटली द सेम, द कूलर वाज द सेम, द पावर सप्लाई वाज द सेम, द SSD वाज सेम रीफॉर्मेटेड, पूरा फिर से फ्रेश विंडोज डाला था, फ्रेश ड्राइवर्स डाले थे, सो देर के नॉट बी एनी ड्राइवर इशू एज वेल. तो देर यू हैव इट, वी हैव कंपेयर्ड द एक्सट्रीम वर्सेस एक्सट्रीम. लेट अस नो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर करना इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है बात, आप शेयर अगर नहीं करोगे तो चैनल बढ़ेगा कैसे, और चैनल बढ़ेगा नहीं तो हम अच्छा कॉन्टेंट कैसे बनाएंगे? अच्छा कॉन्टेंट चाहिए आपको तो आपको शेयर करना ज़रूरी है, प्लीज़. ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसके लिए, डोंट बी लेजी, डू द राइट थिंग.